गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। तीनों शातिर किस्म के अपराधी हैं और गाजियाबाद से वाहन चोरी कर दिल्ली में बेच दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 5 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और असलाह बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े तीनों शख्स शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो गाजियाबाद से वाहन चोरी कर दिल्ली में बेच दिया करते थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा और इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और असलाह बरामद किया है। वहीं इनके 2 साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश हो रही है। ट्रोनिका सिटी पुलिस ने तीनों वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से वाहन भी बरामद कर लिए हैं। वहीं इनके साथियों को पकड़ने का भी प्रयास जारी है। संजय, चोरी का मामला, सर पूरा मामला क्या है? ये कल दिनांक 7 को रूटीन चेकिंग हो रही थी हमारी ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा, तो 3 लोग संदिग्ध आते हुए प्रतीत हुए, उनको रोका गया। तो पूछताछ में पता चला कि ये वाहन चोर गिरोह है और सक्रिय रूप से दिल्ली NCR क्षेत्र में चोरी के मामलों में ये लिप्त रहते हैं। इसमें से 1 अपराधी नवाब हुसैन है, 1 मोहम्मद अयूब और 1 मोहम्मद जफर। इसमें इन लोगों का मास्टरमाइंड महेश है, जो कि अभी फरार है, और 1 अभियुक्त आमिर भी फरार है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 5 बाइक, मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 2 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। बाकी 2 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, दबिश दी जा रही है। उनकी गिरफ्तारी पर इनके पूरे नेटवर्क को वर्कआउट किया जाएगा। सर, बाइकें कहाँ बेचा करते थे? बाइकें चुरा के, लाख बाइक को चाबी से अपने से खोल के टेक्निकली ये सस्ते दामों पर 5,000-8,000 में बेच दिया करते थे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक? इसमें 1 बाइक कनेक्ट हुई है थाना ट्रोनिका सिटी के मुकदमे में 6/20/379 IPC। बाकी दिल्ली के विभिन्न थानों में जो दर्द मुकदमे हैं उनसे बाइक संबंधित है। बाकी 2 जो मेन अभियुक्त हैं, जो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे बाइकों की बरामदगी होगी और इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा।